एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 3 तक, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे इस वीडियो में 4, 5 और 6। तो सबसे पहले 4 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी टाइप का रिलेशन है। और किस में डिफाइन है ये, आर मतलब रियल नंबर में। तो सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, इसके लिए ए ए टाइप के एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, अपन रियल नंबर से ले रहे हैं। तो ए रिलेशन ए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल्स टू ए होता है, होता है, इसलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए बी टाइप के एलिमेंट लेंगे रिलेशन से। मैंने मान लिया कि ए बी है वो रिलेशन में है, सॉरी रियल नंबर से। ए बी किस में है, रिलेशन में। इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर इसका अपोजिट करें बी ए, बी ए के लिए बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देखो, एक बार ए लिया मैंने 2, बी लिया 3, तो इस बात के लिए 2 लेस देन 3 सही है। लेकिन क्या 3 लेस देन 2 होता है, नहीं होता। इसके मतलब ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं बी ए नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, कितने एलिमेंट लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, 3 एलिमेंट ले रहे हैं, कहाँ से, वही रियल नंबर से। ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब सीधा सा ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो नंबर लाइन पे ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। तो देखने से क्या पता चल रहा है, ए सी से भी छोटा होगा। क्या लिख सकते हैं हम, ए लेस देन इक्वल्स टू सी। और इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो ए सी है वो कहाँ मिल जाएगा, अपने को रिलेशन में मिल जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी, बी और सी ये सब रिलेशन में है, तो ए कोमा सी ये भी किस में होगा, रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब। जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चनों में, पिछली वीडियो में पढ़ा है ए लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, तो वो ना रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। सेम कंडीशन इसमें आती है, बी का क्यूब लगा हुआ है, बी का क्यूब लगा हुआ है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए, ए कहाँ से ले रहा हूँ मैं, वही लेने अपने को रियल नंबर से। ए लेस देन इक्वल्स टू ए का क्यूब होता है, ए लेस देन इक्वल्स टू ए का क्यूब रियल नंबर से ले रहे हैं। देखो अगर ए इक्वल्स टू मैं 2 लेता हूँ तो सीधा सा है 2 लेस देन इक्वल्स टू 8। लेकिन अगर ए की जगह मैं 1/2 लूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की होल क्यूब। यहाँ ध्यान दो, ये आ रहा है 0.5 के लगभग, और ये किसके लगभग आ रहा है, 1/8, ये हो जाएगा 0.125 के लगभग। तो ये बताओ 0.5 इससे 0.125 से छोटा है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन में नहीं आएगा। ए ए नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं, ए ए नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात करते हैं अपन सिमेट्री की। सिमेट्री के लिए टाइप एलिमेंट लिए ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर से, और इसी के साथ ए बी किस में, रिलेशन में। इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब। लेकिन हमें पता है कि जो बी का बी है वो कभी भी ए क्यूब से लेस देन नहीं होगा, है ना। जैसे 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब गलत हो गया ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए सेम वही कंडीशन लगेगी, ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी क्यूब से छोटा है, इसका मतलब क्या है, जो बी है वो सी क्यूब से छोटा है। लेकिन हम परमानेंट ये नहीं बता सकते कि जो ए है वो सी क्यूब से भी छोटा होगा, क्या होगा, सी क्यूब से भी छोटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ये कभी हमेशा के लिए होल्ड नहीं करेगा, ठीक। आप एग्जांपल से देख सकते हैं कुछ मान रख के, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो फंक्शन दे, जो अपने को रिलेशन दे रखा है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या है, देखो इसमें दे रखा है रिलेशन, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 1 2 2
वन, और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, वन टू थ्री से लेने हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ सिमेट्रिक हैं, सीधा सा रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता क्योंकि वन वन नॉट बिलोंग्स टू इन रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, है ना, नहीं है। सेकंड बात करें सिमेट्री की तो वन टू बिलोंग्स टू आर, टू वन बिलोंग्स टू आर, बस यही तो एलिमेंट दे रखे हैं आपस में रिलेशन में, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए तो तीन एलिमेंट होने चाहिए, इस पूरे रिलेशन में ही दो दे रखे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन दे रखा है सिक्स, ये सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।